हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी सब्जी, ड्रमस्टिक या मुनगे की। यह है ड्रमस्टिक, इसे मैंने छील के धो के काट लिया है। इसे सहजन की फली भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने एक प्याज को काट लिया है, हरी मिर्च और दो टमाटर को भी बारीक चॉप कर लिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट। यह है नमक, गरम मसाला, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, तड़का लगाने के लिए जीरा, सरसों और सूखी मिर्च, सूखा नारियल, मूंगफली और यह है तेल। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन, उसमें डाला है 2 स्पून मूंगफली। उसके अलावा मैंने डाला है सूखा नारियल। सूखा नारियल डाल के मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो आप खोबरे का किस जो मार्केट में मिलता है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अभी अच्छे से भुन गया, मैं इसे ठंडा करके इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। इसका फाइन पेस्ट बन गया है, अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब हम करेंगे आगे का प्रोसीजर। अब मैंने रखा है एक पैन, पैन में मैंने डाला है अराउंड 1.5 स्पून ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक डाल के इसमें इसको हमें अच्छे से शेलो फ्राई करना है, मतलब अच्छे से भुनना है। अराउंड 60% तक हमें इसे भुनना है। ऐसा करने से सब्जी में जल्दी पक जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से आएगा। आप चाहो तो इसे पानी में बॉईल भी कर सकते हो। पानी में भी अगर आप बॉईल करोगे तो 60% तक बॉईल करना, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के। अब ड्रमस्टिक भुन गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ। निकाल के अब सेम इसी पैन में मैं डाल रही हूँ अराउंड 2 स्पून ऑयल। ऑयल डाल के अब मैं इसे में बनाऊंगी सब्जी। मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल जैसे गर्म हो गया इसमें मैं लगा रही हूँ तड़का, जीरा और सरसों का। उसके बाद मैंने इसमें डाला सूखी लाल मिर्च। जैसे ये थोड़ा सा क्रैकल हो गया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज था, उसे मैंने बारीक काट लिया। काट के मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा, अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हरी मिर्च। हरी मिर्च डाला है, मैं मिर्च पाउडर भी डालूंगी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद मैंने डाला है 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। डाल के मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। अब ये थोड़ा सा भुन गया है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसे मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया। आप चाहो तो इसे पेस्ट भी बना सकते हो। डाल के मैं इसको अभी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। नमक डाल के अब मैं टमाटर गलते तक इसे भूनूंगी। टमाटर को मैंने चलाते हुए अच्छे से भून लिया है, टमाटर ऑलमोस्ट गल गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। अब मैंने डाला है 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर। हमने ग्रीन चिली भी डाला था, इसलिए मैंने 1/2 स्पून डाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च पाउडर ऐड कर लेना। अब मैंने इनको अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मुनगा। मुनगा डाल के अब हमें इसे अच्छे से धीमी आंच पे चलाते हुए अराउंड 2-3 मिनट तक भूनना है, ताकि सारा मसाला मुनगे में अच्छे से लग जाए। अब 2-3 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मूँगफली और नारियल का पेस्ट। मूंगफली और नारियल का पेस्ट डालने से एक रिच फ्लेवर आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी थोड़ी थिक बनेगी। आप इसे बना के ज़रूर देखना, एकदम डिफरेंट टेस्ट रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी भी बनता है। अब मैंने इनको अच्छे से भून लिया है। भून के मैं इसे ढक के 2-3 मिनट तक धीमी आंच पे पकने दूंगी, ताकि मुनगे में सारा मसाले का फ्लेवर आ जाए। 2-3 मिनट हो गया है, मुनगा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। मिक्सी के जार में थोड़ा सा फली और नारियल का पेस्ट लगा हुआ था, मैंने आधा कटोरी पानी डाल के उसको डाल दिया है। डाल के अब मैं थोड़ा सा इसको भून रही हूँ। भून के जैसे ये थोड़ा सा भून जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी। मैं इसमें 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुनगा हमारा पहले से भुन चुका है तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपका मुनगा कच्चा रहेगा तो आप 1.5 ग्लास पानी डालना। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इसे ढक के 2-3 मिनट तक, या मुनगा अच्छे से गल नहीं जाएगा तब तक पका लूँगी। मैंने इसे ढक दिया है, मैं 4 मिनट तक इसे पकाई हूँ। 4 मिनट बाद मैं देख रही हूँ हमारी सब्जी ऑलमोस्ट अच्छे से पक चुकी है। सब्जी में से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ड्रमस्टिक मुनगे के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 स्पून गरम मसाला। डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बस हमारी सब्जी बन गई है। फिर भी आप एक बार इसे प्रेस करके देख लेना, मुनगा अच्छे से पका है कि नहीं पका है। मुनगा अच्छे से पक गया है। अब मैं इसे गैस का फ्लेम ऑफ करके थोड़ा सा डाल रही हूँ धनिया पत्ती। ये सब्जी रोटी, चावल सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप भी ये टेस्टी सब्जी बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।